नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट भी, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कॉमेंट में भी कॉमेंट करके हमें डाउट है क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ की आज की? ऑयल इंडिया क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल में जारी किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ऑयल इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के 120 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 जुलाई से 15 अगस्त तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से OIL में ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ऑयल इंडिया क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, अप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेंट डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इसमें ऑयल इंडिया वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें, तो जनरल की पोस्ट है वो 54 पोस्ट है, OBC के लिए 32 पोस्ट है, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 14 पोस्ट है, EWS के लिए 12 पोस्ट है। तो इस तरह से आपसे क्या टोटल 120 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें, तो उम्मीदवारों को सरकारी यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवी स्ट्रीम में 40% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदकों को कम से कम 6 महीने की अवधि के कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट पास होना चाहिए और MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आदि के साथ पूरी तरह से वाकिफ होना चाहिए, यानी आपको ज्ञान होना चाहिए किस किस चीज़ का। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपके पास कम से कम 6 महीने की अवधि का एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी 12वीं कक्षा में क्या है कम से कम 40 अंक है वो होने हैं वो चाहिए। तो ये अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें, तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा वो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक है वो आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। OBC के लिए अगर बात करें तो 18 से 33 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। SC और ST के लिए अगर बात करें तो 18 से 35 वर्ष आपकी आयु है वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होंगे, 1 जुलाई से के आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने वो शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 15 अगस्त 2021 तक क्या है आप फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट आपकी बताई जा रही है कि दिसंबर में आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा अभी बताया जा रहा है, बाकी अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है। अब बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और OBC के उम्मीदवारों के लिए ₹200 फीस अब रखी गई है। SC ST और PH और EWS के लिए कोई फीस इसमें नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा SC ST PH और EWS के उम्मीदवारों के लिए। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको क्या अपनी फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से अपनी फीस का भुगतान आप कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका 100 नंबर का पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। इसी पेपर के आधार पर क्या है आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन है इसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें, तो इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के बारे में अगर बात करें, तो
ये आपका 100 नंबर का होगा टोटल पेपर, उसमें से 20% अंक है वो इन दो सब्जेक्ट से आएंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से आपके 20% क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। और इसके अलावा डोमेन और रेलिवेंट टू सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए इसमें, उससे संबंधित आपके क्या 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका पेपर 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। तो ये आपको चीज़ें वो पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो पेपर आपका क्या है, लिखित परीक्षा वो वस्तु इस प्रकार की होगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की समय अवधि वो 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी, यानी 120 मिनट का आपका समय आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 100 नंबर का आपका पूरा पेपर है वो 100 नंबर का होगा। अब बात कर लेते हैं ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एडियम एंड फ्रेज, वर्ड फॉर्मेट, पैसेज कोरेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स, टेंस, पैसेज कॉम्प्लेंशन, एंटोनिम्स, एडियम एंड फ्रेज, वर्ब, सेंटेंस करेक्शन आ जाएगा इसमें, थीम डिटेक्शन आ जाएगा, अनसिन पैसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक, वोकेबलरी, सेंटेंस कंप्लेंशन, व एडवर्ब और आर्टिकल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, साइंटिफिक रिसर्च, कंट्री एंड करेंसी, फेमस पर्सनैलिटी, बायोलॉजी, जियोग्राफी, स्टेट एंड कैपिटल, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जनरल पॉलिसी, इंडिया एंड नाइबोरिंग कंट्री, फेमस बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, फेमस प्लेन जो अभी योजनाएं चल रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री एंड कैपिटल, आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा नॉन वर्बल रीजनिंग, विजुअल एबिलिटी, वर्ड लेसन, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट, एनालॉजी, सिमेट्री, इसके अलावा सिंबल एंड नेशन, अरेंजमेंट, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, सिलोलिज्म, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग रिकॉर्डिंग, डाटा सफिशियंसी, डायरेक्शन और क्लासिफिकेशन से आपके संबंधित वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका अर्थमेटिकल यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा पाइप एंड सस्टेंस, इंडाइस एंड सर्ट, सिंपल इक्वेशन, परमोटेशन कम्यूनेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, बॉड एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन और रेशियो, प्रोपोर्शन, इसके अलावा एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वांटिटी इक्वेशन, ओड मैन आउट, रेस एंड गेम, नंबर एंड एज, एवरेज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉब्लम ऑन नंबर से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं जो आपका सिलेबस आएगा इसमें जो कि 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपका क्या कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाना चाहिए ज़्यादातर, ऐसे ही बताया जा रहा है। लेकिन वो अभी थोड़ा दिन बाद क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको क्या पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चन वो किस चीज़ से पूछे जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर के बारे में क्या अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये चीज़ें क्या आपसे ज़्यादा इसके क्या पेपर में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑयल इंडिया क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो पे स्केल आपका होगा इसमें 26,600 रुपये से लेकर 90,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी क्या है इसमें सैलरी होगी। इसके लिए क्या है, बहुत अच्छी क्या है जॉब है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म में वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि ऑयल इंडिया क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और साथ में हमने डिस्कस किया कि ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑयल इंडिया क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा, ऑयल इंडिया क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑयल इंडिया क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्या क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की और जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।